सांसदों का निलंबन का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ा हुआ है और आज सांसद जो हैं वो मार्च भी निकालने वाले हैं विजय चौक से। तो यहाँ पर विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं। वो पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब से सांसदों के निलंबन का इस सिलसिला शुरू हुआ है। तो शुरुआत 13 दिसंबर को हुई थी जब संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी और उसके बाद से ही विपक्षी सांसद लगातार इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का यहाँ पर ये कहना है कि इस मामले की जाँच की जाएगी। लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि जांच कमेटी अभी फिलहाल जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की बातचीत की जाएगी। सुनते हैं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। तो एक तरफ सांसद जो है विपक्ष के वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोकसभा की जो कार्यवाही है वो इस वक्त शुरू हो गई है। एक बार सुनते हैं कि लोकसभा में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लोकसभा के सदस्य थे श्री सादुल ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। श्री धर्मन्या मंदरैया साउल का निधन 13 दिसंबर 2023 को 80 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। पर लोकसभा में एक सांसद के निधन के बाद शोक व्यक्त किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं विपक्षी सांसद जो विरोध मार्च निकाल रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं। के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन में, सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी,
कानून के मुताबिक ही शुड कम एंड स्पीक इन द हाउस फर्स्ट, लोकसभा राज्यसभा. इंस्टेड ऑफ दैट ही वॉज स्पीकिंग आउटसाइड लखनऊ, वाराणसी एंड अहमदाबाद, एवरीवेयर ही इज स्पीकिंग, बट ही डिड नॉट टर्न अप इन द लोकसभा और राज्यसभा. दिस इज रियली कंडेमेबल एंड इट इज ऑल्सो ही वायलेटेड. इट बिकम्स ए प्रिविलेज केस, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वी आर रिक्वेस्टिंग यू अलाउ अस टू स्पीक एंड वी विल गिव सम फैक्ट्स एंड यू शुड एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड. वन थिंग. सेकेंडली, पर्पजली द रूलिंग पार्टी पीपल आर डिस्टर्बिंग द प्रोसीडिंग्स. 125-30 पीपल ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ बीजेपी, दे स्टूड एंड दे वेर शाउटिंग अगेंस्ट 10 पीपल. हार्डली यस्टरडे वी वेर हार्डली 10 पीपल एंड वी वेर डिमांडिंग द डिस्कशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन, बट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग दे वेर शाउटिंग अगेंस्ट अस. एंड इट इज फर्स्ट टाइम happened that a parliamentary affairs minister along with 125 people standing in Lok Sabha, Raj Sabha, standing in Raj Sabha, he is giving a speech and 125-30 people are watching it and they are shouting slogans. This is really, this shows that they don't have faith in democracy. They don't want discussion, debate. That's why we want to tell the people of this country, can a chairman allow all 125-30 Raj Sabha member, and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party? This is very bad. That's, we'll warn the government. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live. But he should behave democratically and constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly take it. And anybody wants to vote? Thank you. Tomorrow we are protesting in Jantar Mantar, and all party people will be there. Our India party's leaders, those who are available here, they will participate here. And throughout country, in state headquarter, district headquarter, they will protest against this immoral, illegal behavior of this government. अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो. तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिनका कहना है कि आज हम संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो सांसदों का निलंबन है, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो चाहे वो राज्यसभा के, ये अनैतिक है, ये गैर कानूनी है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसद को चलाया जा रहा है उसमें विपक्ष को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और जो गलत है और उसके खिलाफ वो आवाज़ यहाँ पर उठाने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि कल यानी 22 तारीख को एक बार फिर से सभी विपक्षी पार्टियाँ जो हैं वो जंतर मंतर पर इस निलंबन का विरोध करेंगी. हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा.
जुड़ने वाले हैं यहाँ पर, उनसे हम जुड़ेंगे। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे हैं। संसद परिसर से विजय चौक तक विपक्षी सांसद जो है वो मार्च निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह का सस्पेंशन सरकार कर रही है, ये तरीका गलत है। वो आवाज़ उठाना चाहते थे, वो सवाल उठाना चाहते थे। उनका काम है यहाँ पर कि वो अपनी जनता की आवाज़ उठाएं, और उन्हें वो करने से रोका जा रहा है। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, कल भी विपक्षी सांसदों के बिना ही कई महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो पास हुए हैं, और आज भी ऐसा ही होता लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये सब याद रखा जाएगा। हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ अदिति जी। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, जावेद साहब, उनसे बात करते हैं विरोध प्रदर्शन के बारे में। आप प्लेट कार्ड लेकर आए हैं सेफ डेमोक्रेसी, इस प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से संसद से विपक्षी सदस्यों का सफाया भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि देश की जनता को ये पता चले कि विपक्ष मुक्त संसद करके वो अपने मनमर्जी के अलोकतांत्रिक कानूनों को संसद के अंदर पास करना चाहते हैं। यही एकमात्र हमारे इस प्रदर्शन का मकसद है। देखिए, कल 7 बिल पास किए गए लोकसभा राज्यसभा में, आज भी 6 बिल लिस्टेड हैं। सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, और सरकार की दलील है कि विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया, उसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लंबित रह गए थे, उनको पास कराना जरूरी है जनहित में। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, वो 7 नहीं 70 बिल भी पास कर सकते हैं। जब विपक्ष अंदर है ही नहीं और उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही, तो 4-6 मिनट में विधेयक पास हो जाता है। तो वो अपने मर्जी के विधेयकों को पास करने के लिए ही उन्होंने सत्र से सांसदों को निलंबित किया है। आगे क्या रणनीति होगी? कल भी आपका विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जनता के पास जा रहे हैं, अब जनता ही इसका निदान करेगी। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। विपक्ष की सदन के बाद अब सड़क पर उतरकर उनकी जो बात है, जो वो बात कहना चाहते थे संसद में, अब कोशिश है कि सड़क पर उतरकर वो बात देश के सामने रखी जाए। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये इसका हिस्सा है। मेरे साथ गौरव गोगोई भी हैं। गौरव, व्हाट इज द मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या बंद करो आप। मैसेज इज वेरी सिंपल, दैट हम इस सरकार से डरने नहीं वाले, पीछे हटने नहीं वाले। वो चाहे निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मांग पर अड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र पार्लियामेंट चाहते हैं, सदन की हत्या करना चाहते हैं। कल आपने देखा कि बिना कोई विपक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात उन्होंने बिल पारित किया गया है। तो इस अहंकार को हम तोड़ने के लिए पूरी इंडिया अलायंस एकजुट है। गौरव, एक सवाल था कि कल 7 बिल पास हुए, आज भी 6 बिल लिस्टेड हैं। सरकार की दलील है कि बहुत इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव एजेंडा था, इम्पोर्टेंट विधेयक कर रहा था, उसमें चर्चा संभव नहीं थी। देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तो ये सदन खत्म करने की ये उनकी दलील है, पार्लियामेंट को खत्म करने की एक दलील है, लोकतंत्र को खत्म करने की दलील है। तो फिर पार्लियामेंट क्यों चाहिए? वो सरकार से ऑर्डर देते जाएं, बिल लाने की क्या जरूरत है? फिर अपने मंत्री विभाग जो भी ऑर्डर लाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चलने दीजिए, गजेट नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। लोकतंत्र का मतलब ही है कि सवाल पूछा जाए सरकार से, लेकिन यही मूल आदर्श को आज ये सरकार प्रधानमंत्री नकार रही है। कितनी अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में जहां पर हमारे भारत की लोकतंत्र की गरिमा की छवि बनी हुई है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के अहंकार के कारण दुनिया में किसी भी कोने में 140 विपक्षी सांसदों को निलंबित नहीं किया गया होगा। आज आधुनिक दुनिया में हम भारत ही एक ऐसा उदाहरण मिला है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कारण हमारे देश की जो लोकतंत्र की जो गरिमा है, दुनिया के सामने आज बहुत झुक चुकी है। कल भी आपका विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है, सो ये एक संदेश देने की कोशिश इस विरोध प्रदर्शन के जरिए यहाँ पर जो कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल के सांसद है वो कर रहे हैं। अदिति, बिल्कुल हिमांशु, हम देख रहे हैं कि संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाल रहे हैं यहाँ पर विपक्षी सांसद, और उनका कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि लोकतंत्र की जो गरिमा है वो बनी रहे, और सभी बिल वो अपने मनमाफिक तरीके से पास करवाना चाहते हैं, इसीलिए सांसदों का निलंबन किया गया है।